भाई साहब लाखों रुपए आप बचा सकते हो इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया। ये वीडियो आपको ना प्रो बार्गेनर बना देगा। ऐसी बार्गेनिंग बताएंगे हम आपको इस वीडियो के अंदर, और डीलर के ऐसे ऐसे खुलासे करेंगे कार डीलर कैसे के डीलर के स्कैम से बचा जाता है। भाई साहब कार डीलर छुपते फिरेंगे ये वीडियो देखने के बाद, वो ये उनके लिए भी वार्निंग है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर आपको कार डीलर से बचने के, यानी कि कार शोरूम वाले ने जो लूट मचा रखी है, बिल्कुल जो कई कई तरीके से वो लूटते हैं ग्राहक को, कैसे डीलर फ्रॉड करता है, स्कैम करता है, कस्टमर के साथ खिलवाड़ करता है, उसे उल्लू बना के पैसा लूटता है। भैया आज के वीडियो में आप ये वीडियो देखने के बाद ना बार्गेन एक्सपर्ट बन जाओगे और किसी भी डीलर के कार डीलर के झांसे में फंसोगे नहीं अगर आप नई गाड़ी खरीदने जा रहे हो। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो देखना, और अगर वीडियो पसंद आए अपने यारों दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि भैया हमारा चैनल वही मशहूर इस चीज के लिए है कि आप लोगों का लाखों रुपए हमने बचा दिया डीलर्स के फ्रॉड से। एंड आज भी हम वही करने वाले हैं। डिटेल्ड है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन काम का होएगा। दोस्तों डीलर जो होता है, कार डीलर यानी कि जो शोरूम गाड़ियों को बेचता है, वो एक तरह से नहीं कई तरह से पैसा कमाता है आप लोगों से। नई गाड़ी बेचते हुए भी पैसा मिलता है, आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच आते हो उसको एक्सचेंज में, उससे भी वो पैसा कमाता है। पुरानी गाड़ी वो आपकी महंगी, आपने 6 लाख की उसे दी, वो आगे 7 लाख की बेचेगा, वो वहां पे उसने लाख रुपए कमाया। उसने आपको नई गाड़ी बेची, वहां पे उसने अलग पैसा कमाया। इंश्योरेंस में आपसे अलग कमाता पैसा वो। आपको एसेसरीज वो पेल देता है, वहां पे उसने अलग पैसा कमाया। तो भैया आप ये देखो कि कितने सारे तरीके हैं इनके पास। ये कस्टमर अंदर आया नहीं, समझो एक बकरा आ गया या मुर्गा आ गया, हलाल करना, खुद ही हलाल होने आया। तो आज जो वीडियो है ना इसके अंदर ये बताना कि भैया हम हलाल नहीं होंगे, तुम्हारा ही बकरा बना देंगे। बिल्कुल, क्योंकि भाई आज हमें उन बंदों को उस खेल में हराना जिनके वो माहिर खिलाड़ी हैं। क्योंकि वो सेल्समैन होते हैं 10-10, 15-15 साल पुराने होते हैं, उनको पता है कि कस्टमर को कैसे मैनिपुलेट करके, भाई उनकी ट्रेनिंग ही यही है, उनकी ट्रेनिंग ही यही है कि कैसे कस्टमर जिसका बजट मिड वेरिएंट का उसे टॉप मॉडल बेच के भेजना है। उनका मकसद ही यही है भाई। ट्रेनिंग स्पेशल सेशन लगते हैं लोगों के कस्टमर को। 10 लाख वाले बंदे को 14 लाख की गाड़ी नहीं बेची तो वो फेल हो गया। सेल्समैन जो है देखते ना टॉप सेल्समैन का चार्ट लगा होता है, यानी कि इसने इतने बकरे बनाए हैं, इतने मुर्गे बनाए हैं इसने इस महीने, तो आज हमने उसी टॉप सेल्समैन का ना हमने मुर्गा बना देना। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आपने क्या करना है, जो भी आप बजट गाड़ी का लेके गए हो वो बजट आपने डिस्क्लोज नहीं करना डीलर को जाके। बिल्कुल सही बात है, उससे कम ही बताना है। बल्कि आपका अगर बजट 10 लाख है ना, देखो डीलर अंदर घुसते ही शोरूम वाला आपको क्या बोलेगा, सेल्समैन बड़ा आएगा स्मार्ट सा टाई शाई पहन के, ये सर हेलो, पहले तो इंग्लिश मारने की कोशिश करेगा, क्या भाई देसी चल। अब ये बता, वो पूछेगा सर कितना बजट है आपका, बंदा ना ताव में आ जाता यार, बेइज्जती सी ना हो जाए कम बोल दूं तो। 2 लाख फालतू ही बता देता बंदा, यहाँ पे फंस जाता है वो। आज ना सुबह अगरबत्ती जला के आया होता कि भैया आज बंदा फंसेगा ही फंसेगा, पैसा है नमा, रुपया है नमा। और आपने जाते ही बोल दिया मेरा 8 लाख का आपका बजट था, आपने बोल दिया जी 10 लाख का बजट है। क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है दोस्तों, आप अपने काम धंधे से पैसा कमा के वो गाड़ी खरीद रहे हो, लेकिन उनका काम धंधा ही आप लोगों, आप लोगों को पागल बनाना ही उनका काम धंधा है। अगर 8 लाख का बजट लेके गए हो ना, उसे बोलो भैया 7 लाख से ज्यादा का बजट नहीं है मेरा, अपना बजट 50,000 लाख कम बताना। चाहे 8 लाख की गाड़ी लेनी हो, 8.25 भी ले लो कोई बात नहीं, लेकिन बजट हमेशा कम बताना। भैया सेल्समैन ना प्रिपेयर हो जाएगा कि भैया ये ज्यादा इसको ना काट नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज दोस्तों, आपको अपनी सेकंड हैंड गाड़ी एक्सचेंज में नहीं देनी जब तक आपको मार्केट से ज्यादा वो वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लोग अपने ईस के लिए शोरूम पे ही दे देते हैं, यार कौन 10 जगह धक्के खाए, इनको ही देके खत्म करो, 50,000 कम भी मिल रहा है इनको, दो और बात खत्म। गाड़ी आपको तभी देनी है जब आपने 24 ये वो सब जगह रेट लगवा के बाजार में धक्के खा के देख लिया कि आपकी गाड़ी के 2 लाख से ज्यादा नहीं मिल रहे और ये 2.25 लाख रुपए दे रहे हैं, तब उनको चाबी पकड़ा देनी है आपने। देखो दोस्तों आप जरा एक बात ना ध्यान से समझ लेना, आप वो अपनी फील्ड के मास्टर, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप टीचर हो, आप अपनी फील्ड के मास्टर हो, आप अब उस मास्टर के साथ गेम खेलने जा रहे हो जो अपनी फील्ड में मास्टर है।
भाई जो खेल खेल रहे हैं ना यहाँ तो वो अधूरा छोड़ना है और हर बारी ना उसको गेम में इरिटेट करते रहना, यानी कि जैसे जो भी वो बोले उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी बिल्कुल भी। ओके सर इसमें 6 एयरबैग हैं तो काट देनी है बात। भाई क्या करेंगे 6 एयरबैग, खड़ी गाड़ी ठोक देगा कोई, क्या कर लेंगे 6 एयरबैग, बिल्ड तो है नहीं इस गाड़ी की। उसकी मतलब जो भी वो पॉजिटिव बताने की कोशिश कर रहे हो उसको काटते जाना बात को आपने। बोलेगा कि सर शहर में 18 की माइलेज देगी, उसे क्या चला चल आ चल शहर में 18 की अगर माइलेज देगी तो एक नहीं मैं 2 लेके जाऊंगा, वो भी पूरी पेमेंट करके। भाई साहब कुत्ते फेल कर देने आपने उसके, उसका हौसला पस्त करना आपने। हौसले तब टूटते हैं जब आप सामने वाले की बात से ऊपर बात मारते हो। जब भी गाड़ी लेने जाओ कभी भी सेल्समैन को ये मत दिखाओ कि गाड़ी लेने का पूरा डिसीजन मेरे ऊपर ही है, जबकि है आपके ऊपर, आप चाहो तो अभी गाड़ी खरीद के आ सकते हो, लेकिन उसको ये दिखाओ कि आपसे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है। यानी कि पापा नहीं मानेंगे यार, पापा नहीं मानेंगे यार, दादू ना बड़े पर्टिकुलर हैं यार, घर के बुजुर्गों को साथ रखते हाँ। चलना पड़ता है, उनको दिखाना इस पड़ता है। केस में आप बुकिंग से बच जाओगे आप, नहीं तो आपको वो कहेंगे सर एक बुकिंग तो डाल के जाओ, बुकिंग डाल दो, बस आपने कहना यार मेरे हाथ में नहीं है यार, मेरे को तो सर प्यादा बना के भेजा गया, हाँ सिलेक्ट मैं ही करूंगा, लेकिन फाइनल डील जो है ना यार जब तक पापा अप्रूव नहीं करेंगे, पापा गए हुए हैं, अगर पापा ही गया हुआ तो कहो यार मेरे भाई पापा के ऊपर भी तो पापा होता है, बोल दो जी ताया जी नहीं मानते यार, ताया जी बहुत गुस्से वाले हैं यार, घर से निकाल देंगे अगर मैंने हाँ कर घर के बड़ों को एक यार एक बारी उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आप मुझे फाइनल डील बना के दे दो देख लेते हैं, वरना वो आपको इतना फोर्स कर देगा कि भैया बुकिंग करा, यानी कि डिसीजन मेकर कोई और है, आप प्यादे हो, आप प्यादे हो ये दिखाना है, ये नहीं बोलना जाके मेरे यार मेरे दोस्तों की गाड़ी मुझे पसंद है, कह यार ऐसी तो 36,000 इस सेगमेंट के अंदर गाड़ियां हैं यार, ये तो मैंने तो बुक करा रखी है, मैं स्पेशली मैं चल यार देख ही लेते हैं, 7 डबल लेने जा रहे तो बोले हाँ। मैंने तो हैरियर बुक करा रखी है, यानी कि जो भी सेगमेंट की गाड़ी आपको ये दिखाना है कि आप उसके अलावा जो बाकी गाड़ियां भी आपके ऑप्शंस में, आपको ये नहीं दिखाना कि यार मुझे नेक्सॉन लेनी है तो बस नेक्सॉन ही लेनी है, आपको ये दिखाना है कि यार मैं तो ब्रेज़ा भी बुक करा रखी है, मैंने तो 3XO मेरे को तो वो भी पसंद है यार, मतलब आपको उसको ये दिखाना है यार कोई यार उसे सिर्फ ये बोलना यार मेरे को ना मेरे लिए आपके लिए ना गाड़ी है बहुत बड़ा सपना, लेकिन उसको दिखाना यार मेरे लिए ना एक गाड़ी है यार, चाहे ये ले लूं चाहे कोई ले लूं, उसको ऐसा लगना चाहिए, अगर उसको ये समझ आ गई कि भैया ये तो कीन हो रहा है इमोशनली, यानी कि ज्यादा पैसे लेने का उनका सपना बढ़ता जाएगा बनता जाएगा, आपको हर चीज में काटने की कोशिश करेंगे, वो बोलना नहीं है ये मुझे गाड़ी पसंद आई है, क्योंकि दोस्तों ये लोन में भी प्रोसेस में भी कमाते हैं, ये इंश्योरेंस प्रोसेस में भी कमाते हैं, बहुत से हम वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर, इंश्योरेंस के अंदर इनका कम से कम 35-40% का मार्जिन होता है इंश्योरेंस के अंदर, एसेसरीज के अंदर, तो ये कहाँ पे फंसाते हैं, बिल्कुल एसेसरीज में बहुत ज्यादा मुर्गा कटता है लोगों का भाई, एसेसरीज पहले तो ये बोलेंगे सर टेफ्लोन कोटिंग दे देंगे आपको, रिगार्ड के लिए आप सुन तो लो सर, आपका कोई भी सामान मेरे से ले लेना, कोई चार्ज नहीं होगा आपको, एसेसरीज जो आप पसंद करोगे, मैं सर ये वाली एसेसरी भी लगा दूंगा, मैं ये भी लगा दूंगा, गार्निश लगा दूंगा, बीडिंग लगा दूंगा, मैं ये लगा दूंगा, मैं वो लगा दूंगा, पर्टिकुलर बड़ा कुछ बता देंगे आपको, वो फ्री है सर आपके लिए, ये दे दूंगा वो दे दूंगा कुछ, उसका रेट नोट कर लो कितना हो गया, पूछ भैया ये टोटल मिला के जो आप चीजें लगा के हमें कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हो ये कितने की हैं, एक्सेसरी सर कोटिंग फोटिंग जो भी है, फॉर एग्जांपल उसने बोला जी 40,000 की हैं, तो उसने कहा भाई देख तू 40,000 रुपए का एहसान मत कर मेरे पे, एक काम कर तू 30,000 छोड़ दे, तू 10,000 रुपए और कमा ले यार मेरे से, सही बात है, तू 40,000 का सामान मत लगा के दे, तू 10,000 और कमा, ये और अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों जहां पे ये आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, सर अगर आपने ये काम बाहर से करा लिया ना तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी, साथ ही बात काट देना उसकी, उसे क्या हुए बात सुन, ज्यादा ना उस्ताद बनने की कोशिश मत कर, जो तुमने यहाँ पे सामान बेच रहे हो शोरूम के अंदर ये भी तो आफ्टर मार्केट ही है, बिल्कुल ये भी तो कंपनी से लग के आया, जब इस पे वारंटी वॉइड नहीं होगी तो मैं बाजार से लगवा लूंगा, तो क्यों वारंटी वॉइड हो जाएगी, सही बात है, सर्विस सेंटर वालों के लिए तो वो भी आफ्टर मार्केट ही हो, जब डीलर से लगवा रहे हो, क्या भाई मुझे एक बारी क्या समझाने की कोशिश कर कि तू लगाएगा तो वारंटी वॉइड नहीं होगी, और अगर मैं बाजार से लगवा लूंगा सस्ते में तो कैसे हो जाएगी, भाई साहब उसकी जैसे ही आप बातें काटनी शुरू हो जाओगे ना वो समझ जाएगा भैया यहाँ तो ये मेरे से गाड़ी नहीं लेगा, या तो ये बंदा बहुत नॉलेजेबल बंदा है, इसको समझ आए भाई, हाँ ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको डराया जाता है, डर का बिजनेस है, अब हम यहाँ चालू करेगा डर का बिजनेस, ये आपको डराया जाता है, आप जो है उनसे सामान लो, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे इसमें बचे, अब देखिए 15 मिनट में इन्वेस्टमेंट डबल, और झूठ ऐसे बोलेंगे सर
एक तारीख से रेट बढ़ जाएंगे, एक तारीख से रेट बढ़ जाएंगे, अबे घंटा बढ़ जाएंगे रेट। उसे क्या बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं, जब मैं 20 लाख की गाड़ी ले सकता हूँ तो 20,000 ज्यादा भी दे दूंगा मैं। उसकी हर बात काटनी है आपको। आपको एक चीज वो और बोलेंगे कि भाई ये जो सर ये जो डिस्काउंट है ये आज के लिए है बस। ऑन टेबल बैठे हो तो मैं डील कर रहा हूँ, यहाँ से निकलने के बाद तो मेरी भी डील नहीं है। हाँ क्या कोई बात नहीं, कल की कल देख लेंगे। वो आपने हर बात उसकी काट देनी है, मतलब शेर पे सवा शेर। जब आप ऐसे खिलाड़ी को बार बार इरिटेट करोगे ना, गेम पूरी नहीं होने दोगे ना, तो भाई उसके हौसले पस्त हो जाएंगे। वो समझ जाएगा कि ये बंदा माल नहीं ढीले करने वाला, इसको डिस्काउंट देना ही पड़ेगा। और अगर गाड़ी स्टॉक में है दोस्तों तो आप मनचाहा डिस्काउंट ले सकते हो। का भाई नहीं तो मैं दूसरा डीलर दे रहा है यार मुझे। और अगर कोई पुरानी मैन्युफैक्चरिंग आपको मिल जाती है फिर तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। पुरानी मैन्युफैक्चरिंग मिल जाती है तो सोने पे सुहागा। और अगर कोई स्टॉक में कलर खड़ा हुआ और आपको नजर आ गया, उसे क्या भाई ये बता कितने की देगा, इस पे डिस्काउंट क्या देगा। जब डीलर को दिखता कि मेरी ब्लॉक इन्वेस्टमेंट जो है कवर होने वाली है, दक्ष वो फटाफट नीचे आने की करता है। दोस्तों एक बोलने का तरीका होता है, आपको उससे ये नहीं पूछना कि भाई इस गाड़ी पे डिस्काउंट है या नहीं है, आपको ये पूछना है इस गाड़ी पे डिस्काउंट कितना मिलेगा ये बताओ मुझे। क्या कितने देगा डिस्काउंट ये बता यार, माल खराब कर यार, टाइम नहीं है मेरे पास का भैया, मेरे घंटों की कीमत है, मेरी मिनटों की कीमत है, मैं अपना टाइम खराब करने नहीं आया हुआ यहाँ पे, यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेने नहीं आया हुआ। बिल्कुल उसको समझ आ जानी चाहिए कि भैया धुरंधर आ गया और क्लीन बोल्ड लो जाऊंगा आज मैं, भैया ये तो मेरे से भी ज्यादा ट्रेन बंदा। उसकी ट्रेनिंग को फेल कर देना आपने भैया। अगर उनको बचता होगा ना तभी देंगे डिस्काउंट, वो कोई पल्ले से डाल के नहीं दे देता। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आपको पीपीएफ कोटिंग, सिरामिक कोटिंग ये तो भैया बिल्कुल भी नहीं करवानी है डीलर्स से, बहुत ही ये पागल बनाते हैं लोगों को एंड लोग बन भी जाते हैं नई नई गाड़ी। भैया पीपीएफ, टेफलॉन, सिरामिक कोटिंग इन सबसे बचें यार। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया भी हो और एक नया वीडियो भी आने वाला, बहुत ही मोटा काट देता है डीलर इस चीज के अंदर। भैया आप गाड़ी लेने गए हो ना, चुपचाप गाड़ी लेके आओ, जरूरत की बस एक आधी चीज मैट वैट गाड़ी में रखवा लेना, कोई बात नहीं बाद में लग जाएंगी। आफ्टर मार्केट लगवाना आपको, जो भी ऐसी एसेसरीज लगवानी है, अगर आप ऐसा मॉडल ले रहे हो जिसके अंदर चीजों की कमी है तो आफ्टर मार्केट लगवानी है, शोरूम से बिल्कुल नहीं लगवानी है, इंश्योरेंस शोरूम से नहीं लेनी है जब तक वो मार्केट के रेट पे मैच ना करके दे। इंश्योरेंस बहुत आपको तीन तीन चार चार गुना रेट पे ये इन्होंने लगा के दी होती है, इंश्योरेंस पे आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और भैया अगर आपने पहली मुलाकात के अंदर लव एट फर्स्ट साइड कर दिया ना, यानी कि गाड़ी बुक करा के आ गए ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। पहली मुलाकात पे बुक नहीं करानी है गाड़ी आपने, पहली बारी में खेल अधूरा छोड़ देना। अधूरा छोड़ के आना, खेल पूरा करने के लिए आपके घर तक चल के आएंगे वो लोग, क्योंकि भैया वैसे ही इतना प्रेशर होता है डीलर्स के ऊपर कि भैया टारगेट पूरा नहीं हुआ, माल स्टॉक में खड़ा रहा, अपने ऊपर ही ब्याज पड़ता रहेगा। दोस्तों लाखों रुपए के लोग हमारे वीडियोस देख के डिस्काउंट ले रहे हैं, हमने एक लाइव बार्गेनिंग का वीडियो भी शेयर किया हुआ है जो बहुत लाखों में आप लोगों ने देखा, पसंद किया, प्यार दिया उस वीडियो को, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वो भी एक बार देख लेना कि लाइव नेगोशिएट कैसे किया जाता है। ये तो आपको आज के वीडियो में टिप्स बताए गए हैं कि डीलर की चालबाजी से बचना कैसे आपको बार्गेन करने क्या के वो लिए। चाल खेलेगा आपके पास, उसके अटैक का पहले डिफेंस रेडी होगा। बिल्कुल आपको डिफेंस रेडी करके जाना, यानी कि आप समझ लो कि जैसे मैच से पहले नेट प्रैक्टिस की जाती है ना, तो आपको पूरी प्रैक्टिस करके घर से जाना। बात है लाखों रुपए की, लाखों रुपए की गाड़ियों पे लाखों रुपए के डिस्काउंट भी मिलते हैं। सेल्समैन बात कर रहा होगा ना, उसको ऐसा हाथ फेरना कि बेटे जितनी देर एज है ना उससे पहले से गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे समझा मत, क्योंकि भैया अगर आप पे वो हावी हुआ, आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, तो समझ जाओ कि वो आपको अपनी डायरेक्शन में घुमाता ही जाएगा। तो होएगा क्या, बंदा शोरूम में जाता है वो शर्मो शर्मी गाड़ी बुक करा देता है कि यार सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई। पहले तो ना करनी है आपने, और हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिलानी है, और ये नहीं सोचना भाई मेरी बेइज्जती ना हो जाए। आधे बंदे तो इसी चक्कर में फंस जाते हैं, सेल्समैन ना इज्जत पे बात ले आता, सर आप ले नहीं पाओगे, ये बड़ी हाई प्रीमियम गाड़ी है ये आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हैं यार अफोर्ड की बात मत करो तुम यार, तो ये मैंने कहा ये चेक ले लो पूरा का पूरा। अबे क्या तेरी है ऐसी की तो ऐसी, क्या तेरे जैसे ना 36 मेरे नीचे काम करते हैं, क्या भाई बेवकूफ नहीं हूँ क्या भाई, पैसे बचा के ये पहनी हुई है मैंने, जो फोन और ये लिया हुआ, क्या ऐसे नहीं लिया जाता बेटा। अभी आपको बहुत कुछ सीखना जिंदगी में, ऐसे बोलना उसको, क्या बच्चे बहुत कुछ सीखना अभी तेरे को जिंदगी में, तू देख आशीर्वाद ले भाई, डील मिलेगी बेस्ट। दोस्तों डीलर से कैसे बचा जाए,
आज आपको इसके टिप्स बताए गए हैं, बार्गेन कैसे करनी है। और दोस्तों एक और चीज, अगर डीलर आपसे पूछे कि सर कलर कौन सा देख रहे हो, तो आपको कभी भी अपने कलर की चॉइस नहीं बतानी है, आपको उसको ये बोलना है भाई जो अवेलेबल है बता दे, मैं तो कोई भी कलर ले लूंगा। चॉइस अंदर रखनी है यार, दिल की बात जुबान पे ना जाए भाई, जुबान पे नहीं आनी चाहिए आपकी बात। एंड फिर वो आपसे पूछेगा कि सर ऑटोमेटिक देख रहे हैं या मैनुअल, आपको तब भी नहीं बताना, आपको बोलना कि यार दोनों का बता दो भाई, मैं तो कोई भी ले लूंगा। क्या डील अच्छी दे दे, मैं ऑटोमेटिक भी ले लूंगा, डील अच्छी मिले मैं ऑटोमेटिक भी ले लूंगा, दोनों का रेट बता दो। उसको ये समझ आ जानी चाहिए, इसको बेस्ट से बेस्ट डील देनी पड़ेगी ये भैया, तब हाथ आएगा, नहीं तो ये गया परिंदा। भले ही आपको मैनुअली लेनी है या भले ही आपको ऑटोमेटिक ही लेनी है, लेकिन आपको उसे बताना नहीं है कि हाँ मुझे ऑटोमेटिक ही चाहिए। आपको बोलना है कि दोनों का बता दे भाई, मुझे डील अच्छी मिलेगी मैं ले लूंगा, जो सस्ती मिलेगी मैं वो ले लूंगा। आपने बात करनी है क्या, बाकी पापा पे छोड़ दिया यार, घर वाले क्या बोलते हैं ना वो देखेंगे, तू बेस्ट डील बना के दे दे फिर मैं बताऊंगा तेरे को। बिल्कुल भाई, अगर वो फोन कर करके आपको परेशान ना कर दे और आपकी मनमर्जी की डील ना देना, तब बोलना, आप चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर वीडियो का मजा आया हो, यारों दोस्तों के साथ कर देना शेयर, क्योंकि भैया ये वो टिप्स हैं जो लाखों रुपया खर्च के भी नहीं मिलते और लाखों रुपया आपके बचा देते हैं। बिल्कुल, तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर अभी भी किसी गाड़ी में कंफ्यूज हो कि मैं कौन सी गाड़ी लूँ कौन सी ना लूँ, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर बना रहा है, मैं व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना, हमारे साथ कॉल पे जुड़ सकते हैं, कॉल बुक करा सकते हैं। पीडीआई सर्विस भी अवेलेबल है, अगर आप पीडीआई कराना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। नई गाड़ी लेने से पहले गाड़ी को टिटवा दबा के ना पूरी जांच कर लेते हैं हम। दिल्ली एनसीआर में हम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, ऑल इंडिया में धीरे धीरे हमारी सर्विस शुरू होती जा रही है। ऑलमोस्ट 30-40% का डिस्काउंट चल रहा है इस समय जून के महीने के लिए, तो अगर आप करवाना चाहें पीडीआई तो ये हमारा नंबर आ रहा है। लव यू ऑल।